आपको पता है पहले हमसे एक पीढ़ी पहले की भी अगर बात करें तो जो घर में जो स्पेशली जो बुजुर्ग माताएं थी वो कोई भी गर्भवती स्त्री होती तो उसको बोलते थे कि रामायण पढ़ो नहीं, और जो भक्तों की कथाएं पढ़ो, तो उससे बहुत फर्क पड़ता था। हाँ, आजकल तो वो टीवी पे सीरियल्स देखते हैं सारे, नहीं सास भी कभी बहू थी। क्यों कहते थे रामायण इत्यादि पढ़ने के लिए? क्योंकि जो गर्भ में बच्चा होता है पूरी तरह से चेतन होता है वो बच्चा, और भागवतम में वर्णन है कि बच्चा जो है गर्भ में कैसे विकास होता है उसका। हाँ, और जो भी जो बच्चे की माता है जो भी खाएगी बच्चे को लगता है ना, इसीलिए बोलते हैं ना कि जो पहले तो गर्भवती स्त्री को बहुत ध्यान से रखते थे, ध्यान रखते थे खाने पीने का, और बच्चे के जन्म के बाद भी बहुत ध्यान रखा जाता था, है ना। सो अगर गोलगप्पे खा लिए तो बच्चे की तबीयत खराब हो जाती थी। सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माँ और बच्चे का बहुत गहरा कनेक्शन होता है, एक संबंध होता है माँ और बच्चे में, है ना। तो बच्चा जो है गर्भ से ही ज्ञान लेना शुरू कर देता है। जो माता है जिस तरह की बातें करती है, जो भी पढ़ती है या देखती है, वो उसका सीधा असर बच्चे पर जाता है ना। और ऐसे बहुत उदाहरण है हमारे, अगर आप शास्त्रों में देखो तो आप देखोगे कि जो अभिमन्यु है, अभिमन्यु अपने माँ के गर्भ में था नहीं, और गर्भ में ही उसने जो शिक्षा ली उसने, उसके जो पिता है अर्जुन, हाँ वो बता रहे थे कि चक्रव्यूह को कैसे चक्रव्यूह में कैसे घुसते हैं। हाँ, तो वो चक्रव्यूह में घुसने की विद्या आ गई उसको, फिर मास हो गई तो बाहर निकलने की विद्या नहीं सुन पाए अभिमन्यु ने। ऐसे ही प्रहलाद महाराज है, हाँ वो भगवान नरसिंह के भक्त हैं ना। हिरण्यकशिपु जब पूरी पृथ्वी को, पूरे पृथ्वी तो बहुत छोटी सी चीज थी, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों भाई जो हैं वो पृथ्वी से फुटबॉल खेला करते थे, इतने बड़े थे। आप मतलब सोच ही नहीं सकते कि कोई पूरी पृथ्वी से फुटबॉल खेल सकता है, इतने बड़े थे, विशालकाय थे, किसी को कुछ समझते नहीं थे वो लोग। सो शक्तियां प्राप्त करने के लिए वो हिरण्यकशिपु जो है बहुत भारी तपस्या करने के लिए गया, तो पीछे से इंद्र को मौका मिल गया। उसने कहा कि हिरण्यकशिपु को तो कुछ कर नहीं सकता, आगे आने वाली पीढ़ी को ही खत्म कर दूं। तो इंद्र गया और जाके हिरण्यकशिपु की जो पत्नी है उसको पकड़ लिया उसने, और उसको पकड़ के लेके जा रहा था मारने के लिए। मारने के लिए ले जा रहा था तो रास्ते में नारद मुनि मिल गए उनको। सो नारद मुनि मिले और नारद मुनि ने बोला कहाँ लेके जा रहे हो? तो बोल रहे थे कि इससे जो बच्चा पैदा होगा उसको वध करूंगा। तो यहां पर आप ये भी देख सकते हो कि इंद्र चाहता तो पहले ही मार देता उसको, लेकिन इतने पुराने समय में भी गर्भवती स्त्री को जो है कोई हाथ नहीं लगा सकता था, पूजनीय मानी जाती थी, है ना। तो इंद्र ने कहा मैं वेट करूंगा, जब बच्चा पैदा होगा फिर उसको मारूंगा मैं। तो नारद मुनि ने बोला कि आप क्यों मारना चाहते हो? तो इंद्र ने कहा जैसा बाप वैसा बेटा, हिरण्यकशिपु इतना बड़ा राक्षस है तो उसका जो बेटा है वो भी तो बहुत बड़ा राक्षस ही होगा, तो राक्षस पैदा होगा लोगों को तंग करेगा वो, तो जब छोटा होगा तभी मार दूंगा उसको ताकि लोगों को परेशान नहीं कर सके। तो नारद जी ने कहा कि आप टेंशन मत लो, जो
ये हिरण्यकशिपु की जो पत्नी है उसके घर में भगवान के बहुत बड़े भक्त निवास कर रहे हैं, तो आप ये मुझे सौंप दो, मैं इनकी देखभाल करूंगा। तो नारद मुनि उनको अपने आश्रम लेके गए और अपने आश्रम में अपनी पुत्री की तरह रखा उसको, और उनको हमेशा भगवान की कथा सुनाते थे। और जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो बचपन से ही भगवान के भक्त थे, और प्रहलाद महाराज जो स्कूल में जाते थे तो जो बच्चे खेलते हैं ना, जैसे ये भी बच्चे भी शरारत कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज को कोई रुचि नहीं थी शरारत करने में, खेलने में। जब और लोग खेलते थे प्रहलाद महाराज अपने जो सहपाठी थे, अपने फ्रेंड्स थे, उनको हरि कथा सुनाते थे, भगवान के बारे में उनको जानकारी देते थे। तो प्रहलाद महाराज एक बार ऐसे ही अपने साथियों को बता रहे थे भगवान के बारे में, तो एक साथी ने पूछा कि अच्छा भक्ति कब से शुरू करनी चाहिए, कौन सा अच्छा टाइम है भक्ति शुरू करने के लिए। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कुमार आचरेत प्राज्ञो, प्राज्ञो का मतलब होता है जो बहुत समझदार होता है ना। तो प्रहलाद महाराज ने कहा जो समझदार है, जो इंटेलिजेंट है, कुमार आचरे, वो बचपन से ही भक्ति में जुट जाता है ना। लेकिन एक बच्चा भक्ति में जुड़ेगा कैसे? बच्चा तो बच्चा है, बच्चा अबोध होता है, बच्चे को क्या पता क्या सही है क्या गलत है, नहीं? तो बच्चे को भक्ति में जोड़ने का जिम्मा किसके ऊपर है? भक्ति में जोड़ने का जिम्मा माता पिता पर है, और माता पिता में से भी ज्यादा जिम्मा माँ पर है, क्योंकि माँ के साथ ही बच्चा ज्यादा टाइम बिताता है, नहीं? हमेशा जो माँ अपने बच्चे को गोदी में उठा के घूमती है, हर चीज का ध्यान रखती है ना। तो ये बात हम क्यों बोल रहे हैं, ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप छोटी उम्र से ही अपने बच्चों को भक्ति में जोड़ो। हम लोग कितना ध्यान रखते हैं कि बच्चे की एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हम लोग इतना प्रयास करते हैं कि जो बच्चे की एजुकेशन अच्छी हो, बच्चा अच्छे स्कूल में जाए। क्यों ऐसा हम सोचते हैं? ताकि ज़्यादा पैसे कमा पाएगा, है ना। लेकिन चरित्र का क्या? चरित्र, हम में से ज्यादातर लोग चरित्र को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, है ना। हम ना तो खुद अच्छा आचरण करते हैं, ना ही हम अपने बच्चों को सामने से खुद कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करते, है ना। हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते शुरू से कि भगवान है, भगवान की शरण लेना चाहिए, भगवान के सामने नमस्कार करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। हम कुछ नहीं सिखाते ऐसा। और आप देख लो 100 में से, अब अगर हम आज की बात करें, 100 में से 95 बच्चे जो हैं वो भगवान में कोई रुचि नहीं रखते, ना वो भगवान में रुचि रखते हैं और ना ही अपने माँ बाप में कोई रुचि रखते हैं। पहले लोगों के पास पैसे कम थे लेकिन शांति थी, सुख था। और कृष्ण भगवत गीता में कह भी रहे हैं अशांतस्य कुतो सुखम, अगर शांति नहीं है सुख कहां से मिलेगा, नहीं? अगर हमने वो कहावत है ना, बोया बीज बबूल का तो आम कहां से होए, हम आम बो ही नहीं रहे तो आम मिलेगा कहां से। हम बचपन से अपने बच्चों में संस्कार डाल नहीं रहे तो संस्कार आएंगे कहां से। 5% क्यों छोड़ दिया मैंने? वो इसलिए छोड़ दिया कि हो सकता है पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे, कुछ लोग जुड़ जाएंगे,
लेकिन आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, क्या हम कुछ सामने से एफर्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए? पूरा ध्यान हमारा इसी चीज में है कि अपने बच्चों को चॉकलेट खिला दें, आइसक्रीम खिला दें, उनको घुमाने ले जाएं, खिलाएं पिलाएं, भगवान का है। इस पूरे प्रकरण में, हमारे पूरे जीवन में भगवान कहीं है ही नहीं, दिख ही नहीं रहे भगवान। और यही कारण है कि हम जितनी ज्यादा हम प्रयास कर रहे हैं सुखी रहने का, उतने ही ज्यादा हम लोग दुखी होते जा रहे हैं। भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं, मोघाशा मोघ कर्मणो, आप कुछ भी कर लो, कितना ही प्रयास कर लो, कितनी आशा रख लो, कुछ नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि आप बहुत उपजाऊ जमीन में बीज बो दो, खाद डालो, पानी डालो, जरूरी नहीं है कि बीज जो है पौधा उसमें से निकलेगा। वो पौधा निकलेगा भगवान की अगर मर्जी होगी, भगवान की कृपा होगी। अगर भगवान की कृपा नहीं है, आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। अगर भगवान की कृपा होगी तो रेगिस्तान में भी नखलिस्तान बना देंगे भगवान, रेगिस्तान में भी मीठा पानी ला सकते हैं, है ना। तो दो तरह के लोग इस संसार में हैं, उसमें से भी बहुतायत उन लोगों की है जो जिनकी भगवान में कोई रुचि है ही नहीं। कहने के लिए बोलते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कहने के लिए बोलते हैं। आप क्या कर रहे हो धर्म के लिए? हम तो कुछ नहीं कर रहे। आप कौन हो? हम हिंदू हैं। ये बहुतायत है। और कुछ लोग हैं गिने चुने, वो लोग क्या हैं, वो बोल रहे हैं जो भगवान करेगा वही चलेगा। आप क्या कर रहे हो? हम कुछ नहीं कर रहे, सब भगवान पे छोड़ा हुआ है, है ना। ये भी गलत है और वो भी गलत है, दोनों गलत है। सही तरीका है कि हम सामने से अच्छे से प्रयास करें, हम खुद भी भगवान के बारे में जाने, भगवान की भक्ति करें और अपने बच्चों को, अपने परिवार को भगवान की सेवा में लगाएं। अब सपोज आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो, क्या आप अपने बच्चे को कह सकते हो कि बेटा जप करो भगवान का? बेटा कहेगा मम्मी आप तो कर नहीं रहे। अगर हम आपको बोले कि तिलक लगाना चाहिए तो आप बोलोगे आपका तिलक कहाँ है? तो बात बेकार है, है ना। अगर हमने तिलक नहीं लगाया होगा, हम आपको तिलक लगाने के लिए नहीं कह सकते। आप ये पूछ सकते हो कि तिलक क्यों लगाना है, तो हम आपको उसका उत्तर दे सकते हैं कि जो तिलक है, ये तिलक में दो चीजें हैं। तिलक में भगवान के चरण है दोनों, और तुलसी दल है। जो तुलसी है, जैसे तुलसी महारानी है ना, तुलसी हमेशा भगवान के चरणों में रहती है। तो तिलक का मतलब है हमने अपने मस्तक पर भगवान के चरणों को विराजमान किया और भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित की हमने, है ना। तो तिलक लगाने का मतलब है हम लोग भगवान के सेवक हैं, है ना। तो ये पता चल गया कि तिलक क्यों लगाना चाहिए, तिलक लगाना शुरू कर दो। हम आपको रिक्वेस्ट करें कि आप प्लीज जप करो, तो लेकिन अगर हम ही नहीं कर रहे होंगे तो हम आपको कैसे कह सकते हैं जप करने के लिए, नहीं। तो इसी तरह से अगर आप
जप नहीं कर रहे, अगर आप तिलक नहीं लगा रहे, अगर आप भगवान को प्रणाम नहीं कर रहे, तो आप अपने बच्चों को नहीं कह सकते। अगर आपने अपने बच्चों में संस्कार डालने हैं तो पहले आपको वो संस्कार अपने जीवन में लाने पड़ेंगे। तो वो संस्कार आएंगे कहां से? वो संस्कार आएंगे ऐसे लोगों के साथ रहकर जिनके पास वो संस्कार है ना। छूत की बीमारी क्या होती है? एक को बीमारी है, दूसरा व्यक्ति उसके पास आया, उसको भी लग गई, है ना। जो भक्ति है, जो संस्कार है, ये भी छूत की बीमारी है। अगर आप सावधानी नहीं बरतोगे तो आपको भी लग जाएगी, है ना। अगर आप ऐसे लोगों का संग करोगे, ऐसे लोगों के साथ समय बिताओगे जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो आपका अपने आप से मन करेगा भगवान की भक्ति करने के लिए। तो क्या भगवान की भक्ति मुश्किल है? भगवान की भक्ति बहुत ज्यादा मुश्किल है। तलवार की धार है, एक भी गलती की पता नहीं चलेगा क्या बनेगा हमारा। तो फिर क्यों करें भगवान की भक्ति? कम से कम अभी हम भगवान के प्रति अपराध तो नहीं कर रहे, चलो भगवान की सेवा नहीं कर रहे, लेकिन गलती तो नहीं कर रहे। तो भगवान ने यह चीज देखी, भगवान ने कहा अरे अगर लोग इससे घबरा जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम है, कोई भक्ति में जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि स्वाभाविक प्रवृत्ति है भगवान से दूर जाने की, हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति भगवान के पास जाने की नहीं है, हमारी प्रवृत्ति है भगवान से दूर जाने की। आप बोलो ऐसा कैसे कह सकते हो? आप ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसी प्रवृत्ति के कारण हम इस भौतिक जगत में आए हुए हैं। अगर भगवान से दूर जाने की प्रवृत्ति नहीं होती तो हम यहां थोड़े ना होते, हम भगवान के धाम में होते हम। और भगवान का धाम आपके एक नांगलोई जैसा नहीं है, वहां पे हर एक पत्थर पारस पत्थर है। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष, हर एक वृक्ष कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष पता है ना क्या होता है? सपोज एक पेड़ है, सपोज आम का पेड़ है, आप उसके नीचे खड़े हुए और आपने उस पेड़ को बोला कि मुझे आलू बुखारा चाहिए या मुझे सेब चाहिए, टक आपके पास एकदम लाल सुर्ख सेब आ जाएगा आपके पास। और अगर आपने उस पेड़ से बोला मुझे खीर चाहिए, तो क्या कोई पेड़ खीर दे सकता है? कल्प वृक्ष दे सकता है। और भगवान के धाम में सारे पेड़ ऐसे हैं, आपको एकदम से खीर खाने की इच्छा हुई, आप पेड़ के नीचे किसी भी पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, बोलो खीर दो, टक से आपके पास एकदम सोने की कटोरी, चांदी का चम्मच और एकदम अमृत जैसी, अमृत केली ऐसी एकदम खीर स्वादिष्ट आपके पास आ जाएगी। और दो तीन चम्मच नहीं आएगी, इतनी आएगी कि आपका पेट भी भर जाएगा और मन भी भर जाएगा, है ना। सो वहां पर हर वस्तु, हर वृक्ष आपको कुछ भी आपकी मन की इच्छा पूरी करने में सक्षम है। हर एक गाय वहां पर सुरभि गाय है, ऐसा नहीं है कि गाय है 5 लीटर 7 लीटर दूध दिया काम खत्म। आप गाय को बोलो, सुरभि गाय को, कि हमने अपने घर में प्रोग्राम किया है,
मुझे 500 लीटर दूध चाहिए, फटाक से 500 लीटर दूध मिल जाएगा आपको। आप बोलो मुझे दही चाहिए, रेडीमेड दही मिल जाएगा आपको, सुपर स्टोर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई उस गाय को चुराने आ गया तो आप उस गाय को बोलो कि रक्षा करो अपनी भी और मेरी भी, तो गाय जो है सुरभि गाय, उसमें से बहुत सारे सैनिक निकल आएंगे। जैसे एक बार विश्वामित्र गए थे वशिष्ठ जी की गाय को चुराने के लिए, एक बार विश्वामित्र गए अपने पूरे सेना के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए। तो वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे तो वशिष्ठ जी ने कहा कुछ खा के जाना, तो विश्वामित्र ने कहा ये क्या खिलाएंगे मेरे को, कंदमूल खिलाएंगे ये मुझे? तो उन्होंने बोला बैठो, आप जाके थोड़ा सा नहा धो लो नदी में, आप नहा धो के आओ, आपके मैं खाने की व्यवस्था करता हूं। तो अनमने मन से गए, पहले जमाने में कुछ भी हो साधु की बात को काटते नहीं थे, है ना, साधु की बात काटी मतलब जीवन खत्म हो जाएगा। आज भी ऐसा ही है लेकिन लोग मानते नहीं है। लेकिन आज के जमाने में अच्छे साधु है भी नहीं, सब ढोंगी हैं। आज के जमाने में लाल कपड़ा डालते हैं पैसे मांगने के लिए, पैसे दो पैसे दो। तो विश्वामित्र जी अपनी सेना के साथ, लाखों सैनिक थे, और गए नहाकर वापस आए तो देखा 56 भोग तैयार है, सिर्फ विश्वामित्र जी के लिए नहीं पूरी सेना के लिए। तो विश्वामित्र ने अपने एक उसको भेजा गुप्तचर को, चेक करके आओ कैसे हुआ। तो गुप्तचर गया, उसने देखा कि वो तो उनके पास एक गाय है, सुरभि गाय, वो सारे खाना प्रबंध उसी ने किया है। तो बोला वो गाय को हम लेके जाएंगे अपने राज में, ऋषि को क्या काम गाय के लिए। तो वो गाय को छीनने के लिए आए तो वशिष्ठ जी ने सुरभि को बोला कि आप प्लीज रक्षा करो। तो इतने सैनिक निकले कि विश्वामित्र को वहां से भागना पड़ा, है ना। तो हर एक गाय वहां पर सुरभि गाय है। आपको कुछ भी चाहिए, ऐसा नहीं कि गाय तो सिर्फ दूध देगी, आप बोलो मुझे बहुत सुंदर कपड़े चाहिए तो सुरभि गाय कपड़े दे देगी आपको। तो ऐसी जगह को छोड़कर हम लोग नांगलोई में बैठे हुए हैं, देख लो, है ना। भक्ति वो माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान के धाम में, ऐसी जगह जहां पर ना भूतकाल है ना भविष्यकाल है, हमेशा वर्तमान काल ही चलता रहता है, है ना। हर व्यक्ति वहां पे ना तो कोई बूढ़ा होता है ना कोई मरता है, है ना। इस भौतिक जगत में जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है, लेकिन भगवान के धाम में कोई नहीं मरता, सब जीवित रहते हैं। और अगर आपको लगे कि मैं 20 साल की उम्र में 20 साल के नवयुवक या नवयुवती बन के रहना चाहती हूँ, आप वही बने रहोगे। आप सोचो कि मैं छोटे से बालक के रूप में रहना चाहती हूँ, वैसे ही रहोगे। आप सोचो कि मैं 50-60 साल की आयु के व्यक्ति के रूप में रहना चाहती हूँ ताकि मैं कृष्ण की माँ माता पिता के रूप में सेवा करूं, आप वैसे ही बने रहोगे। आपके ऐसा नहीं है कि आपकी आयु अगर 50 साल हो गई तो भैया मरने वाले हैं, ऐसा नहीं है। वहां पर हमेशा 50 साल की आयु रहेगी, हमेशा 20 साल की आयु रहेगी, हमेशा छोटे बच्चे रहेंगे, है ना। जैसे चार कुमार हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं चार कुमार, सबसे पहले चार कुमार ब्रह्मा जी ने प्रकट किए थे जब सृष्टि बनाने लगे थे, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार। तो वो जब पैदा हुए थे छोटे से बच्चे ही थे, और आज भी वो छोटे बच्चे ही हैं, वो बड़े नहीं हैं वो, है ना। तो ये आध्यात्मिक बल है, ये भगवान की कृपा से संभव हो पाता है ना। तो अगर हम इन
बातों के बारे में जानेंगे तो हमारी रुचि होगी भगवान को प्राप्त करने के लिए। अगर हमारे पास अपने पास रुचि होगी तो हम अपने बच्चों को वो रुचि, वो भक्ति, वो शिक्षा हम दे पाएंगे। इसीलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे रंजन प्रभु और चांदनी माता जी ने इतना इंतजाम किया और ये लोग भक्ति में लगे हुए हैं, आप बोलो कि इनके बच्चे तो चैंटिंग नहीं कर रहे, जप नहीं कर रहे, लेकिन इनके बच्चे सुबह शाम प्रसाद खा रहे हैं, सुबह उठते हैं भगवान को प्रणाम करते हैं, है ना, सुबह उठते हैं, कभी भी आपस में स्कूल से आए तो जो माँ बाप है बच्चे को बोलते हैं हरे कृष्णा, है ना, एक बार हरे कृष्ण बोलना और करोड़ों टन सोना इकट्ठा करना कोई मुकाबला नहीं है आपस में, एक बार हरे कृष्ण बोलना कहीं ज्यादा कीमती है। आप करोड़ों स्कूल खोल लो, पूरा नांगलो ही खरीद लो और एक बार हरे कृष्णा बोल दो, कोई मुकाबला नहीं है आपस में। हरे कृष्णा बोलने की इतनी वैल्यू है, इतनी कीमत है। क्यों कीमत है? क्योंकि आप चाहे पूरे संसार पे राज क्यों ना कर लो, एक दिन मरना पड़ेगा, लेकिन अगर एक बार हरे कृष्णा बोला तो भगवान के धाम जाना निश्चित है। भागवत में बता रहे हैं कि जैसे आपने पेड़ से एक बार एक कच्चा नारियल तोड़ लिया, तो वो नारियल तोड़ते ही समय की बात है कि वो नारियल पक जाएगा, और जो जो कच्चा नारियल होता है उसकी जो गिरी होती है अंदर की, वो अपने खोल से चिपकी होती है, नहीं बहुत मुश्किल होता है निकालने के लिए, लेकिन जब नारियल पक जाता है, सूख जाता है, तो उसको हिलाओ तो खोल अलग होता है और गिरी अलग हो जाती है। तो उसके लिए क्या उसको कुछ गैस पे रखना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, एक तोड़ा कोने में रख दिया, अपने आप टाइम से पक जाएगा, वो गिरी खोल से अलग हो जाएगी। इसी प्रकार आप लोगों ने एक बार हरे कृष्णा बोला है, आपका भौतिक जगत से संबंध खत्म हो चुका है, सिर्फ टाइम की बात है कि आप लोग कब भगवत धाम वापिस जाओगे। अब आप पूछो वो कितना टाइम लगेगा, वो आप पर निर्भर करता है। आप चाहोगे इसी जन्म में चले जाओगे, आप चाहोगे बहुत सारे जन्म लगेंगे, आपकी श्रद्धा आपके प्रयास पर निर्भर करता है, है ना। अगर आप लोग भक्त, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उपदेशामृत एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि आपको माँ बाप बनने का कोई अधिकार नहीं है जब तक आप अपने बच्चे को बार बार जन्म लेने और बार बार मरने से रोकने में सक्षम नहीं हो। बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है, भगवान की भक्ति में जुड़ना। भगवान की भक्ति में जुड़ने का क्या मतलब है, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं करना। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण इस कलयुग में आए भक्त के रूप में, भगवान कृष्ण ने बहुत से रूल्स लगाए, बहुत से नियम कानून बताए, भक्ति करनी है तो देखो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ये करो ये मत करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ा, भगवान ने देखा लोग नहीं कर पाएंगे, तो भगवान कृष्ण दोबारा आए, आज से करीब 550 साल पहले, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। अगले संडे को उनका बर्थडे है, जैसे जन्माष्टमी मनाते हैं ना, तो ऐसे ही गौर पूर्णिमा मनाते हैं होली से एक दिन पहले। हाँ, तो भगवान कृष्ण जब आए एक भक्त के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उन्होंने कहा कुछ नियम नहीं है। आप मत सोचो कि भगवान की सेवा कर रहे हैं कुछ गलती हो जाएगी,
कि अगर हमने हरे कृष्णा नाम लिया, हरे कृष्णा बोलने में हो सकता है हरे बोलने में कुछ गलती हो जाए या कृष्णा बोलने में गलती हो जाए, कुछ फर्क नहीं लगता है। उन्होंने बोला कुछ नियम है ही नहीं कलयुग में। आप कितने ही बेकार ढंग से कितने ही गलतियां कर लो, आपको कोई दोष ही नहीं लगेगा। सारे दोष हटा दिए भगवान। और उन्होंने बोला कुछ नियम नहीं है, सिर्फ आप एक काम करो, और वो क्या काम है, भगवान के दिव्य नामों का जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हो और घर में जो भी बनाते हो भगवान को भोग लगा के आप खाते हो, तो आप ये जान लो कि आपका स्वर्गलोक, आपके स्वर्गलोक मिट्टी के ढेले के समान है भगवान के धाम के सामने। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। स्वर्गलोक लोग बोलते हैं ना कि अगर किसी की डेथ हो जाए बोलते हैं स्वर्गवासी हो गए। हम नहीं बोलते स्वर्गवासी हो गए, हम स्वर्ग पे थूकते भी नहीं, ठोकर मारते हैं हम स्वर्ग को। क्यों ठोकर मारते हैं? क्योंकि स्वर्ग लोक में हजारों लाखों साल का आयु है, लेकिन वो आयु खत्म हो जाती है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरी आयु आप लोग गिन नहीं सकते। ब्रह्मा जी का एक दिन 864 करोड़ वर्ष का है, ऐसे 30 दिन का एक महीना, ऐसे 12 महीने का एक साल, और ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं। लेकिन जब हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के पास गया, उनको बोला कि मुझे आप अमरत्व प्रदान करो, मुझे आप वरदान दो कि मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी, तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं आपको कैसे वरदान दे सकता हूं जबकि मैं खुद ही मरने वाला हूं। तो इतनी आयु है, हम लोग कैलकुलेटर पे भी गिन नहीं पाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी हमेशा डरते रहते हैं कि खत्म होने वाली है आयु मेरी। तो स्वर्ग लोक में तो बहुत ही कम आयु है, कुछ हजार कुछ लाख वर्ष है। क्षीणे पुण्य, जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे, जिन पुण्य जिन अच्छे कामों के बल पर हम लोग स्वर्ग लोक में प्रवेश पाए थे, वो पुण्य जैसे ही खत्म होंगे, जितना हम वहां पर भोग करेंगे हर भोग के साथ हमारे पुण्य घटते जाएंगे। जब खत्म हो जाएंगे क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, विशन्ति मतलब गिर जाओगे। मृत्यु लोक मतलब ये पृथ्वी जहां पर हम लोग अभी बैठे हुए। तो किसी को कहना स्वर्गवासी है बिल्कुल घटिया बात है। वो स्वर्गवासी है, स्वर्गवासी का मतलब है कि अभी जन्म मृत्यु में उलझे हुए हैं, अभी तक जन्म मृत्यु से बाहर नहीं निकल पाए। हमारा लक्ष्य स्वर्ग जाना नहीं है, हमारा लक्ष्य भगवान के धाम जाना है। जहां पर जाएंगे वैकुंठ धाम, जहां पर जाएंगे दोबारा वापस नहीं आएंगे। यत गत्वा न निवर्तन्ते, भगवान कह रहे जहां पर आप एक बार चले जाओ वहां से वापस नहीं आओगे, है ना। तो हमारी फैमिली का क्या होगा? आपकी एक फैमिली वहां पर है, आप जाओगे अपनी फैमिली के साथ, जो आपकी असली परिवार है, जो आपकी असली फैमिली है वो मिल जाएगी। लेकिन मैं तो अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूँ या प्रेम करती हूँ, तो उनको भी भक्ति में लगाओ, ताकि आप सब मिलकर जब ये शरीर छोड़ो तो भगवान के धाम चले जाओ, वहां पर फिर मिल जाना और वहां पे इकट्ठे रह लेना। और हमेशा आप लोग सुबह शाम जब भी आपको टाइम लगे, कुछ नियम नहीं है, ब्रश नहीं किया
कुछ प्रॉब्लम नहीं है, भगवान का नाम लो। नहाए नहीं हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, भगवान का नाम लो। बिस्तर में बैठ के रजाई लेके भगवान का नाम लो। कुछ भी करो, कैसे भी टाइम पे, सिर्फ भगवान का नाम लेने का समय निकालो। कोई नियम नहीं है, आप कितने ही खराब तरीके से भगवान का नाम लो तो भी भगवान आपको उसका अच्छा फल देंगे, आपसे बुरा नहीं मानेंगे। और क्या चाहिए।